हाय के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं और लाइक वीडियो को भी कर दें। बने रहें, जुड़े रहें। हे फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑन सिद्धार्थ लाइव। और आप लोगों के लिए बढ़िया सा रिव्यू हम लोग लेकर आ गए हैं फिर से एमटेक से रिलेटेड एनआईटी भोपाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। यहाँ पर बहुत सारे लड़के मुझे मैसेज कर रहे थे और एआई के बारे में पूछ रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि अपने ही दोस्त से बात की जाए और एक रिव्यू दे दिया जाए। मैं जानता हूँ कि मैं रिव्यू में थोड़ा लेट हो गया हूँ, बट अभी भी चॉइस लॉक में टाइम है एक दिन का पूरा, तो आप लोग थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, पहले जो मेरा आइडिया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, वो प्लास्टर के सीनियर्स को लेकर था जिनसे मेरी उनसे बात हुई थी, बट इस साल का करंट सिनेरियो में मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करूँगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो यहाँ पर आपको सिविल, सीएससी, ईसी, डबलई, मैकेनिकल, मतलब अगर आपका गेट पेपर इन 5 ब्रांचों में है तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एडमिशन ले सकते हो। और आपकी बीटेक किसी भी डिग्री में हो बट गेट पेपर इन 5 में होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नहीं तो बहुत सारे बच्चे मैसेज करेंगे, सर मेरा मैकेनिकल में गेट है पर मैंने सीएससी दिया है, सर मेरा इंस्ट्रूमेंटेशन से गेट है बट मैंने डबलई में दिया है। तो बीटेक कहीं भी हो, आपका गेट पेपर इन 5 में एक होना चाहिए। उसके बाद आपको बताओ, बहुत सारे लोगों को लगता है कि देखिए डिपार्टमेंट ऑफ सीएस के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चलती है, बात सच है, लेकिन ये अपने आप में खुद एक सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल है, पूरा एक सेंटर है, बट ये रन किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ सीएस के अंदर, मतलब फैकल्टी जो है वो सीएस वाली ही पढ़ाती हैं। कोर्स स्ट्रक्चर में मेनली आपको जो बड़ा बड़ा चीज बताऊं तो आपको मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एनएलपी, कंप्यूटर विजन, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। मतलब आपको डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये पूरा एक पैटर्न देखने को मिलेगा, जहां पर जो जनरली मे बी प्रेफरेबल लैंग्वेज पाइथन हो सकती है, ठीक है, पर आप सी, सी प्लस प्लस में भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं पैटर्न क्या है, एग्जाम का बता दूं तो यहाँ पर बहुत ज्यादा टफ रहता है, जो कोर्स सिलेबस है ये बहुत टफ है। मतलब अब मैकेनिकल का बच्चा है, कोप अप करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है ना, लेकिन अगर वो सीखने की चाह रखता है और प्लेसमेंट अच्छा चाहता है तो उसे थोड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा टफ रहेगा आपके लिए, ऑनलाइन में थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, बट जब आपके कैंपस ओपन होंगे तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना होगा। बट मैं आपको बताऊं, 1 साल की मेहनत है, प्लेसमेंट जबरदस्त है। उसके बाद गेट प्रिपरेशन बताऊं तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे गेट की तैयारी करेंगे इस ब्रांच में जाकर, तो यहाँ पर नॉट पॉसिबल, गेट नॉट पॉसिबल, तो ये ब्रांच मत लीजिएगा अगर आपको गेट की तैयारी करनी है। स्कोर लास्ट ईयर के हिसाब से बता रहा हूँ 600-630, ठीक है, ओबीसी में 550, ऐसे ही कुछ ईडब्ल्यूएस का था, बट मैं इस बार गारंटी दे रहा हूँ इस रिव्यू को देखने के बाद इसका स्कोर इस साल आसमान छूने वाला है, ठीक है। मेरे पास पर्सनल बच्चों के मैसेज भी आए है ना, वो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर रिव्यू ना बनाए, बट अब मैं जानता हूँ बात सच है, लेकिन मुझे करना पड़ता है यार, मुझे करना पड़ता है, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखना पड़ता है, ठीक है। अब सीट मैट्रिक्स की बात करें तो यहाँ पर 19 की सीट मैट्रिक्स है। चलिए 2019 में ही ये ब्रांच स्टार्ट हुई। अब आपको यहाँ पर बता दूँ जॉब पोजीशन, लेकिन इससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है। स्टोरी क्या है कि जब ये ब्रांच स्टार्ट हुई तो इसके सीनियर्स को भी नहीं पता था कि कॉलेज में कंपनीज कैसी आती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम था, एक बार पहली बार ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई थी। और हमें जिस तरीके से पता है इसका जो कोर्स करिकुलम है वो पूरा डेटा साइंस से रिलेटेड है, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एनएलपी, तो बहुत सारे बच्चे सोच रहे थे कि डेटा साइंस की कंपनीज आएंगी और दे विल गॉट प्लेस। बट हुआ क्या कि डेटा साइंस की कंपनीज एनआईटी भोपाल में आती ही नहीं है, सही बताऊं तो 3 या 4 कंपनीज ही आती हैं। 90% से ज़्यादा कंपनीज सॉफ्टवेयर डेवलपर पोजीशन के लिए आती हैं और यहाँ पर एनआईटी भोपाल में कोर का प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बच्चों को सॉफ्टवेयर डेवलपर जॉब में ही मौका बहुत ज़्यादा मिल रहा था। अलाउ आपको सब में करेंगे ये लोग, लेकिन क्या हुआ यहाँ पर कोविड भी आया तो कंपनीज भी बहुत कम आई, उसके बाद सीनियर्स भी प्रिपेयर नहीं थे, तो बहुत सारों को प्लेसमेंट का बहुत ज़्यादा इशू झेलना पड़ा। बट अब बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, आप लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा क्लियर हो गई हैं। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर में 90%, तो आपको क्या आना चाहिए, मेनली आपको DSN एल्गो आना चाहिए। बट मैं आपको बताऊंगा अगर आपको DSL को सीखना है तो प्रेफरेबल लैंग्वेज C++ रखिएगा, ठीक है। प्लेसमेंट मैं आपको बता रहा हूँ कि लास्ट ईयर नॉट गुड, ठीक है, उतने अच्छे नहीं रहे, 50% रहे, बट काफ़ी अच्छे रहे थे। तो रीज़न यही है कि फर्स्ट टाइम चालू हुई, आपको पता नहीं था प्लेसमेंट कैसे आने वाला है, जॉब पोजीशंस क्या है, कोविड का एक सिचुएशन बहुत ख़राब था, ठीक है, जॉब पोजीशन के रिगार्डिंग अवेयरनेस नहीं थी। 2021 का बताऊं तो 2021 में 8 बच्चे प्लेस हो चुके हैं, 19 में से गॉट इंटर्नशिप में, जिसमें जनरली जो इंटर्नशिप मिल रही है वो 30-35K मिल रही है, बहुत ज़्यादा है, मतलब इन सबको PPO भी ऑलमोस्ट मिल जाएगा,
जिसमें दो बच्चे इंटेल में, दो बच्चे सिमेंस में, एक बच्चा डेल में, दो बच्चे ऑफ कैंपस भी प्लेस हुए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी में। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो पहली कंपनी, अभी प्लेसमेंट्स भी चालू हो गए हैं, फुल प्लेसमेंट, जिसमें पहली कंपनी अमेरिकन एक्सप्रेस आई है अभी तक। तो लास्ट ईयर का स्टैटिस्टिक्स दिखा रहा हूँ सीएस डिपार्टमेंट का, तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि यहाँ पर सीएस डिपार्टमेंट का क्या प्लेसमेंट रहता है। सेम प्लेसमेंट आपको अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिलने वाली है। ये मेरे पास एनआईटी भोपाल की सीएस की प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स है, तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर लिखा हुआ है 60 कंपनी विजिट की, 62 स्टूडेंट बैठे, 58 रजिस्टर हुए, जिसमें 30 को फुल ऑफर मिला, 20 को इंटर्नशिप ऑफर मिला, ठीक है। 51.72 प्लेसमेंट रहा, हाईएस्ट 16 लाख का, लोएस्ट 3 लाख का, एवरेज 9 लाख का, ये पूरा बना हुआ है, ठीक है। प्लेस अनप्लेस का मतलब 28 प्लेस हो गए, 30 अनप्लेस रह गए। ये लास्ट ईयर कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा था, लेकिन इस साल ऐसा सिचुएशन नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, इंटेल ने 16 लाख, ट्रेंडर ने 15.5, डेल ने 14, हेलीबूटन ने 11, कॉग्निजेंट ने 10, इंडिया मार्ट ने 10, फैक्टस्पैन ने 8, ठीक है, टीसीएस डिजिटल ने 7, ओरेकल ने 6.5, पारोल यूनिवर्सिटी 4.5, ये सब जॉब के लिए, मतलब टीचर जॉब के लिए आई होंगी। उसके बाद अमेजोन ने 60K इंटर्नशिप दी है, इंटेल ने 40K, 35K। तो ये पूरा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए पूरा बना हुआ है। यहाँ पे प्री प्लेसमेंट ऑफर भी लिखा हुआ है। कंपनीज देख लीजिए कौन सी आई है, फिलिप्स, फ्लिपकार्ट, ओरेकल, बहुत सारी कंपनीज आई हैं, सारी की सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। और लास्ट ईयर प्लेसमेंट में कंपनीज दैट डिड नॉट अलाउ और कैंसिल दैट विजिटेड ईयर, तो ये कंपनी इस साल लास्ट ईयर नहीं आई थी, ठीक। अब देखिए, अब आपका मेनली काम क्या है, अब देखिए आपको थोड़ा सा अपने चॉइस फिलिंग में चेंजेस करने पड़ेंगे, अकॉर्डिंग आपको ये ब्रांच कहीं सेट करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, प्लेसमेंट बहुत अच्छे रहेंगे इस साल से, बस डीएस एल्गो से बढ़िया से पढ़िएगा। और मैं बस इतना ही सा आज का ये रिव्यू था, बस मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि आप लोग क्या करिए, आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं चैनल को लाइक, आप ऑलरेडी कर चुके हैं इस वीडियो को शेयर देखने के बाद, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके तो बहुत पहले से ही रखे हुए हैं, तभी तो आप इतना प्यार दिखा रहे हैं। बस बनाए रखिए सारा प्यार, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो ये सब चीज़ें कर भी लीजिए यार, आपका भाई आपके लिए बढ़िया बढ़िया कंटेंट लाता रहेगा। देखते रहे, बने रहे, जुड़े रहे, सिद्धार्थ लाइव, सिद्धार्थ शुक्ला के साथ।